हाय गाइस, हाउ आर यू? आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री के अंदर, टॉपिक है आपका वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था, समझाया था कि जब कोई द्रव क्या होता है, वाष्प बन करके उड़ता है या गैसीय अवस्था में बदलता है, जब कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसकी यह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, तो एक यहाँ पर एक टॉपिक आया है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, यानी कि वाष्पीकरण के कारण ठंडक कैसे होती है, तो वो इस टॉपिक के अंदर आज आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है या गैस में चेंज होता है, अपनी गैसीय स्टेट में जाता है, तो अपने आसपास के एरिए से क्या करता है, ऊष्मा को लेकर अवशोषित कर लेता है, यानी ऊष्मा को सोख लेता है, ऊष्मा को ले लेता है। ऊष्मा सोख लेगा तो क्या होगा, आसपास ठंडक पैदा हो जाएगी, यानी ठंडक हो जाएगी, और फिर वो ऊष्मा को लेकर के क्या करता है, उसे उस वो द्रव गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। देखिए क्या होता है, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है और वो वाष्प बदलता है, ये क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है या वाष्पन कहलाता है। ठीक है, अब लेकिन जब क्या होता है, जब देखिए वाष्पीकरण की दो अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको, एक तो था हमारा वाष्पन, दूसरा था क्वथन। वाष्पन में क्या होता है, अपना आप धीरे धीरे ही वो चेंज होता रहता है, और क्वथन में गर्म करना पड़ता है। तो जब यानी किसी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए, गैस में बदलने के लिए क्या गर्म करना पड़ेगा हमें तुरंत देखने के लिए, लेकिन अगर वो ऐसे ही हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो हमारा वाष्पन हो रहा है, और वाष्पन की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, जिस तरीके से क्वथन के अंदर क्या है, डायरेक्ट थोड़ी देर में ही पानी क्या हो जाता है, भाप में बदल जाता है। पानी को गर्म किया आपने और वो क्या हुआ, वाष्प में बदल गया, भाप में बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि नीचे से गर्म किया जा रहा है उसे। और जब क्या होता है, पानी को हम ऐसे ही रख देते हैं तो तब भी वाष्प क्या होती है, वो वाष्प बन करके उड़ता रहता है धीरे धीरे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आसपास से की ऊष्मा को अवशोषित करता रहता है। तो वो जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा लेकर के क्या करता है, उसे अवशोषित करके क्या करता है, द्रव वाष्प में बन करके उड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए जब कोई द्रव वाष्प में बदलेगा, अपने चारों तरफ की ऊष्मा को ले लेगा, सोख लेगा, यानी गर्मी को कम कर देगा, तो क्या होगा, ठंडक पैदा होगी। ठीक है भाई, और ठंडक पैदा हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो यही कारण होता है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट है हमारे गर्मियों के दिनों में पसीने का आना, यानी गर्मियों के दिनों में हमारे पसीना आता है। तो पसीना जब आता है तो हमारे शरीर बॉडी क्या होती है, ठंड महसूस करती है। मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, वो था तो हम पसीने हो गए। अगर हमने देखिए, वो डिपेंड करता है हमारे कपड़े पहनने पर। अगर हमने टेरिकोट का कपड़ा पहना है तो क्या होगा, और हमें क्या हो जाएगी, जिम चलाने लगेगा हमारा। ठीक है, और जी घबरा जाएगा। लेकिन अगर आपने सूती कपड़े पहने हैं तो सूती कपड़े क्या कर लेते हैं, उसको पसीने को सोख लेंगे भाई, पसीनों को सोख करके क्या करेंगे, उसे वाष्प में बदलने लगेंगे। और जब वो उसे वाष्प में, यानी कि पसीना सूख करके वाष्प बन करके उड़ने लगेगा, तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सोख लेगा, और बॉडी का टेम्परेचर कम होने इस पर क्या हो जाएगा, हम ठंडक का अनुभव करेंगे। एक उदाहरण है ये। दूसरा है गर्मियों के दिनों में पानी छिड़कना। ऐसा होता है कि आप देखिए, जब गर्मियों के दिनों में पहले क्या होती थी, ज़्यादातर कच्ची छतें होती थी, या आप भी क्या है, हम कहीं ऐसी जगह है या लेंटर पर भी अब भी क्या करते हैं, सोने से पहले या पक्की छतों पर सोने से पहले क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव करने पर क्या होता है, पानी जो जहाँ पड़ता है तो वो अपने आसपास के एरिए से क्या ले लेता है, ऊष्मा को कम कर देता है, यानी कि गर्मी को कम कर देगा, गर्मी सोख लेगा उसकी, और गर्मी सोख करके वो पानी उड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे वो बर्फ ठंडा हो जाता है, वो छत ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये भी एक उदाहरण है। दूसरा क्या है, हथेली पर पेट्रोल का रखना। आपने देखा होगा, कभी आप हथेली पर पेट्रोल रखेंगे तो क्या होगा, आपकी हथेली पे जहाँ तक भी पेट्रोल होगा, बड़ा ठंडा ठंडा अनुभव होगा आपको। वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि वो जो होता है बड़ी तेजी से वाष्पित होता है,
ऐसे ऐसे पदार्थ जो बड़ी तेजी से वाष्पित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। तो वो क्या होता है, हमारी हथेली की ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्प में बदल देता है, एकदम सोख लेता है, तो हमारी हथेली में क्या होता है, ठंडक का अनुभव। इसी तरह आपने स्प्रिट देखा होगा, जब स्प्रिट या डिटोल लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अभी अगर आप हाथ में तो ठंडक का अनुभव होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो ऊष्मा को सोखता है। ठीक है भाई, तो ये था आज का आपका टॉपिक, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, तो आपको अगर कुछ बात समझ नहीं हो तो आप मेरे से मालूम कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे ऑनलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।